थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरे एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे थिंग्स टू नो बिफोर टेकिंग एडमिशन इनटू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले कौन कौन सी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बहुत बच्चे ना बहुत सारे नेगेटिव रिव्यू सुनते हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो वायरल हो रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, तो बहुत बच्चों को ये डाउट आ गया कि यार यहाँ पे एडमिशन लेनी चाहिए भी नहीं लेनी चाहिए। तो मैं ऐसी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जिसके बेसिस के ऊपर आपको ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, ताकि आपको बाद में कोई भी चीज़ की दिक्कत ना आए। तो सारी चीज़ें आपको वीडियो के एंड तक जानने को मिल जाएगी, वीडियो को बिना स्किप करें बिल्कुल एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के ऊपर आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ कि जो नेगेटिव रिव्यूज देखने को मिलने वाले हैं वो आपको मिलेंगे अटेंडेंस को लेके, ठीक है, बैकलॉग्स को लेके, समर टर्म को लेके, हॉस्टल्स को लेके देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको फीस को लेके देखने को मिल जाएंगे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बस पैसे की बुक है और कोई चीज़ को नहीं। तो सारी चीज़ें आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने ये वीडियो देख ली तो मेरी पुरानी वीडियो जिसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किए वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेंगे फीस रूल की। तो बहुत बच्चे यही कहते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बस पैसे की बुक है, पैसे की बुक है। तो ऑलमोस्ट यार यस, ये बिल्कुल ट्रू है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पैसे की बुक है। अगर आप फीस टाइम पे नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो अगर आप बिल्कुल टाइम पे फीस पे नहीं कर सकते तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके लिए बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं रहने वाली है। तो आपको ये रूल आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो फीस का रूल है वो सिर्फ एडवांस पेमेंट का है, कि अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो जो फीस पेमेंट जाएगी वो हमेशा एडवांस जाएगी। एडवांस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी मेरे जो अभी बच्चे फ्रेशर्स ले रहे हैं उनका जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है अगस्त में, तो जो फीस है आपकी जून जुलाई तक आपको पूरी फीस है जो सबमिट करनी पड़ेगी। पहले सेमेस्टर में थोड़ी लीनियंट भी हो जाते हैं वो जानबूझ के, ताकि बच्चे को फंसाने के लिए, लेकिन आपको ये बात मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि आपको जो फीस है हमेशा एडवांस में पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया तो सेकंड सेमेस्टर जो आपका स्टार्ट होगा वो जनवरी या फरवरी से स्टार्ट होगा। तो अब जो सेकंड सेमेस्टर की फीस है वो आपकी कब जाएगी, जब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स होंगे उससे पहले पहले आपको अपनी पूरी जो सेकंड सेमेस्टर की फीस है वो सबमिट करनी पड़ेगी। सेकंड सेमेस्टर की फीस आपको फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम से पहले पहले फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे ही थर्ड सेमेस्टर की फीस आप कब सबमिट करेंगे, सेकंड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम से पहले पहले थर्ड सेमेस्टर की। तो ऐसे करके अपन जो भी नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उसकी फीस जिस सेमेस्टर में आप हो उस सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम से पहले आप पहले पहले आपको पूरी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये तो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का फीस रूल, तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आप फीस पेमेंट टाइम पे यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, फीस देने में डिले होंगे, तो आपको 10 डेज़ का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है जिसमें आपको अप्रॉक्सीमेट 500 पर डे का फाइन लगता है। फिर भी अगर आप फीस पेमेंट नहीं कर पाते तो आपका या तो UIMS ब्लॉक कर दिया जाता है या आपको फाइनल एग्जाम नहीं देने दिए जाते, तो ये सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। दूसरी बात आती है यहाँ पे जो प्लेसमेंट का रूल है। तो अब बहुत बच्चे यहाँ पे किस लिए आते हैं, प्लेसमेंट के लिए, लेकिन ये बच्चों को पता ही नहीं होता कि अगर उनके मार्क्स 10th में 60% से कम है या 12th में 60% से कम है या डिग्री में 60% से कम होंगे तो उनको जो प्लेसमेंट में बैठने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। कोई भी कंपनी लेस देन 60% मार्क्स जो है वो नहीं मांगती है प्लेसमेंट में बैठने के लिए। तो अगर आप प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आ रहे हो और आपके जो मार्क्स हैं वो 10th में या 12th में या डिग्री में 60% से कम है, तो यहाँ पे एडमिशन लेने का आपके लिए कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे प्लेसमेंट में बैठने का बहुत कम मौका दिया जाएगा। बहुत कंपनीज होंगी जो 50% का क्राइटेरिया मांगेंगी, लेकिन उनके जो प्लेसमेंट एग्जाम्स होंगे उनका जो सिस्टम होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा। क्योंकि ऐसी भी कंपनीज होती है जो प्लेसमेंट में कहती है कि चलो बच्चे ने पहला अच्छा नहीं किया, क्या पता कॉलेज में बहुत अच्छा किया हो, तो उस कंपनीज में पूरा कॉलेज बैठेगा और पूरे कॉलेज में से आपका माइंड सबसे शार्प होना चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखें कि अगर आपका माइंड इतना शार्प नहीं है और आपके मार्क्स भी कम है तो उन कंपनीज में आपका प्लेसमेंट का कोई चांस नहीं है, क्योंकि पूरे कॉलेज के सारे बच्चे उस कंपनी के लिए एग्जाम देने वाले हैं। तो ये भी आपके लिए होगा प्लेसमेंट का, कि प्लेसमेंट का क्राइटेरिया यही है कि प्लेसमेंट आप तभी दे पाओगे अगर आपके 10th में मोर देन 60, 12th में मोर देन 60, डिग्री में मोर देन 60 मार्क्स हैं। उसके बाद आपको TPP का प्रोग्राम लेना पड़ेगा। ये बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो आपको TPP का जो प्रोग्राम है वो लेना पड़ेगा। TPP का प्रोग्राम नहीं लोगे तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते। TPP की फुल फॉर्म क्या है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम दोगे तो उसमें आपका क्या होगा कि जो आपको 7,000 से 8,000 रुपये अलग से फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 2 साल के लिए एक्स्ट्रा पढ़ाएगी। क्या पढ़ाएगी, इंग्लिश एप्टीट्यूड और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी बहुत अच्छे से, ताकि आप जो 2 साल के बाद प्लेसमेंट वाली कंपनी में बैठे तो एक अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर पाओ। अब TPP का भी क्या रूल है, TPP में 100% प्लेसमेंट का 100% अटेंडेंस का रूल है। अगर आप TPP की कोई भी एक क्लास फालतू में मिस कर देते हो तो आपको इमीडिएटली TPP प्रोग्राम
प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। उसके बाद आपका अगर कितना भी रिक्वेस्ट करो आपको टीपीपी प्रोग्राम में दोबारा एनरोल नहीं किया जाता। तो अगर आप टीपीपी प्रोग्राम से बाहर हुए तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट में भी आप नहीं बैठ पाओगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, टीपीपी का प्रोग्राम प्लेसमेंट के लिए लेना कंपलसरी है। टीपीपी के प्रोग्राम में 100% जो अटेंडेंस है वो लेना कंपलसरी है। 2 साल के लिए आपको 100% वो क्लासेज आपकी वीक में दो दिन क्लासेज होती है, सैटरडे संडे को। लास्ट ईयर में सैटरडे संडे को भी क्लासेज होती है क्योंकि आपकी जो प्लेसमेंट का टाइम है बिल्कुल पास आ चुका होता है। तो वो तो आपके लिए वैसे एक बेनिफिट की बात है कि आपको वो सारी क्लासेज अटेंड करनी ही करनी है, लेकिन आप अगर कोई भी क्लास गलती से भी मिस करते हो तो आपको फिर वहाँ पर दोबारा एनरोल नहीं किया जाता। अगली बात जो आती है कि यहाँ पे 100% प्लेसमेंट हो जाएगी या नहीं, प्लेसमेंट सबकी हो जाएगी जो बच्चे यहाँ पे कंपनीज का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। क्लियर सी बात है यार, बहुत बच्चे अब ऐसा आते हैं कि इतनी कंपनीज आ रही है, इतना पैकेज है, आपको ये बात का ध्यान रखना है। अगर आप एलिजिबल भी हो ना सभी कंपनीज में बैठने के लिए, तो यहाँ पे जो एग्जाम है ना वो आपको कंपनी का आपको क्लियर करना है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्लियर नहीं करके दे रही वो एग्जाम। जैसे अभी आप सपोज करो कि कैप जिमनाई के लिए आप एलिजिबल हो, आपने एग्जाम देना है, एग्जाम क्लियर होगा तो इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू क्लियर होगा तो आपकी प्लेसमेंट होगी, नहीं तो आपको प्लेसमेंट या कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो ये बात ध्यान रखना है कि 4 साल कॉलेज में मेहनत करोगे तो ही प्लेसमेंट मिलेगी, नहीं तो कितना भी अच्छा रिकॉर्ड हो, शायद चाहे आपके 70% मार्क्स हो, 80% मार्क्स हो, पैकेज आपको फिर 3-4 लाख का भी नहीं मिलेगा अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम क्लियर करोगे तो प्लेसमेंट मिलेगी। और ये वाला जो सिनेरियो ना, ये सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये आप ऑफ कैंपस में जाओ किसी में भी जाओ, ये वाला सिनेरियो तो सबके लिए सेम रहेगा। एग्जाम क्लियर करोगे तो प्लेसमेंट है, नहीं तो नहीं है। चाहे NIT जाओ, IIT जाओ, बहुत बच्चे ये सोचते हैं IIT में एडमिशन मतलब 50-60 लाख का पैकेज पक्का। नहीं भाई, IIT के भी बहुत बच्चे यहाँ पे बिना प्लेसमेंट के घूम रहे। क्यों? क्योंकि IIT की जो मिनिमम कंपनी भी आती है ना वो 10-12 लाख का पैकेज ऑफर करती है, और जो प्लेसमेंट में बच्चा बैठा है अगर वो 10-12 लाख के जो एग्जाम है उस लेवल का एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पा रहा तो उसको प्लेसमेंट कैसे मिलेगी? वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहा तो उसको प्लेसमेंट कैसे मिलेगी? तो बहुत बच्चे IIT NIT में पढ़ के भी बिना जॉब्स के घूम रहे हैं, ये आपको दिखा सकते हैं, विद प्रूफ दिखा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम क्लियर करोगे तो ही आपको प्लेसमेंट मिलेगी। उसके बाद जो आते हैं हॉस्टल रूल्स, हॉस्टल के लिए भी आपको ये देखना है कि जो गर्ल्स का है, गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल है वो टाइमिंग रहने वाली है 7 या 8 बजे तक ही आप हॉस्टल के बाहर घूम सकते हो, चाहे वो वीकडे हो चाहे वो वीकेंड हो, उसके बाद आपको हॉस्टल में जाना ही जाना है। गर्ल्स के लिए टाइम फिक्स है, बॉयज़ के लिए 10 बजे तक का टाइम है कि उनको जाना है। हॉस्टल में आप किसी भी प्रकार की नॉनसेंस क्रिएट नहीं कर सकते, कोई नशा नहीं कर सकते, या आप कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें नहीं ले जा सकते। किसी भी प्रकार के इनडिसिप्लिन करते हुए पकड़े गए, साथ ही साथ आपको हॉस्टल से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। हॉस्टल आपको पूरे साल के लिए एक साथ मिलेगा, पूरे साल की हॉस्टल की फीस एक साथ देनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि आधी आधी फीस नहीं पे कर सकते, हॉस्टल की फीस आपको पूरी एक साल की एक साथ पे करनी पड़ेगी। हर साल आपको अपनी हॉस्टल की फीस पे करनी पड़ेगी, हर साल आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपको हॉस्टल की फीस पे करनी है, नहीं तो आपको हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाएगा। तो आपको हर साल हॉस्टल की फीस एक साथ पे करनी पड़ेगी जब आपकी खत्म हो जाएगी। हॉस्टल 365 डेज चलता है, हॉस्टल में फूड भी 365 डेज मिलता है। आपको घर जाना है छुट्टियों में, जाओ, नहीं जाना हॉस्टल में रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये हॉस्टल के रूल्स हैं कि हॉस्टल में अगर आप मतलब कि नाइट आउट लेने वाले हो तो घर वालों से परमिशन लेके ही आपको नाइट आउट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हॉस्टल में वीकेंड पे जा रहे हो जैसे एक आधे दिन के लिए तो आपको बिना पेरेंट्स के परमिशन के भी यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन हॉस्टल के लिए ध्यान रखना कि आपको फीस है हर साल पे एक साथ ही पूरी की पूरी हॉस्टल फीस पे करनी है, और मतलब कि इंस्टॉलमेंट्स में नहीं दे सकते, ना ही आप एकेडमिक फीस इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, ना ही आप ये जो हॉस्टल फीस है उसको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि अनदर कैंपस, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी बड़े बड़े दूसरे कैंपस एक्वायर कर रही है वो आप में उनको पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, तो वो बात अगर आपको मेन कैंपस में ही पढ़ना है वो बात आप पहले ही क्लियर कर लें कि अगर आप यहाँ पे दूसरे कैंपस में पढ़ाएंगे, जैसे BCA BBA की क्लासेज, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो फर्स्ट ईयर की क्लासेज है वो दूर दूसरे कैंपस में GGS कैंपस में लगने वाली है जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर। तो आप ये बातें पहले ही क्लियर कर लें, अगर आपको दूसरे कैंपस में नहीं पढ़ना तो आप पहले ही क्लियर कर लें कि अगर आप मेन कैंपस में पढ़ाओगे तभी मैं एडमिशन लूँगा, नहीं तो मैं एडमिशन नहीं लूँगा। तो ये सारी बातें आपको पहले ही क्लियर कर लेनी है। मैनेजमेंट का हाल थोड़ा ख़राब है, फैकल्टी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाली है, वार्डन्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन जो हायर मैनेजमेंट है वो आपके लिए थोड़ी सी अनसपोर्टिव रहने वाली है अगर आप कोई गलती कर देते हैं। तो अगला रूल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो अगला रूल है ना, यहाँ पे 75% जो अटेंडेंस है वो मैंडेटरी है। अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम हुई तो आपको यहाँ पे जो एग्जाम में ना बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा, ना ही पैसे देके ना कुछ भी करके। 75% से कम अटेंडेंस हुई
तो आप डिटेन्ड हो। डिटेन्ड का मतलब क्या है कि आपको समर टर्म लगानी पड़ेगी। समर टर्म में क्या होता है, समर टर्म में एक सब्जेक्ट का 8000 लगाना पड़ता है। अब डिटेन्ड का मतलब क्या, डिटेन्ड अब जैसे आपके 5 सब्जेक्ट है, अब जिस सब्जेक्ट में डिटेन्ड हो गए उस सब्जेक्ट के लिए आपको दोबारा से 8000 पे करके समर टर्म लगानी पड़ेगी। जिस सब्जेक्ट में आप डिटेन्ड नहीं हो उस सब्जेक्ट के आप जो अपने एग्जाम है दे सकते हो। 75% आपको अटेंडेंस चाहिए हर एक सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट का एग्जाम देने के लिए, चाहे वो MST 1 हो चाहे MST 2 हो, किसी भी प्रकार का अगर एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम में बैठने के लिए आपको 75% की मिनिमम अटेंडेंस मैंडेटरी है। उससे कम अगर आपकी अटेंडेंस होगी तो आपको वो वाला एग्जाम देने का मौका नहीं दिया जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर ले। चाहे जैसे MST 1 है, मेरी 73% अटेंडेंस है, तो आपको MST 1 में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपकी अटेंडेंस 73% है। सिमिलरली अगर 75 से अगर आपकी ज्यादा अटेंडेंस नहीं हुई MST 2 तक, उसमें भी बैठने का मौका नहीं देगा। अब सपोज करिए कि मेरी जो MST 1 और MST 2 में 75% से ज्यादा थी, लेकिन फाइनल तक जो मेरी अटेंडेंस है, मैंने बकबुक मार लिया लेकिन मेरी अटेंडेंस 74 हो गई, तो अब 74% पे भी आपको फाइनल एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिक्ट रूल है 75% अटेंडेंस का। अगर आप नहीं दे रहे तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ना ही HOD ना ही टीचर, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपको एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल भी ध्यान रखना आप। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल लीव के अलावा कोई और लीव्स यहाँ पे आपको सेंशन नहीं की जाती है। जैसे कि अगर आपके भाई की शादी है, बहन की शादी है, दूर का रिश्तेदार है, घूमने जाना है, तो ये सारी किसी भी प्रकार की लीव्स आपको सेंशन नहीं की जाती है। सिर्फ मेडिकल लीव्स अप्रूव होती है वो भी विद प्रूफ्स। अगर आप प्रूफ ला के सबमिट करोगे यूनिवर्सिटी में कि ये मेरा मेडिकल था, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, अप्रूव होगा, मेडिकल लीव अप्रूव होगी, तो ही आपको मेडिकल दी जाएगी। अगर मेडिकल ऑफिसर को आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ लगी, उसने रिजेक्ट किया ये फेक है, तो आपको मेडिकल लीव भी नहीं दिया जाएगा, डिटेन्ड हो जाओगे, फिर से समर टर्म लगानी पड़ेगी। अब आती है कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जैसे कि आपने फाइनल एग्जाम दिया उसमें आपकी सप्ली आ गई, उस केस में आपको कोई टेंशन नहीं है, उस केस में आपको समर टर्म नहीं लगानी है, उस केस में सिर्फ आपको बैकलॉग एग्जाम देना है, जिसकी फीस 1500 से 2000 पर सब्जेक्ट होती है। उसमें सिर्फ आपको दोबारा से एक मौका दिया जाएगा जिसमें आप 1500 देके अपना एग्जाम दोबारा दे सकते हैं और अपनी CGPA इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं कि मेरा यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरा यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, चाहे वो हॉस्टल से रिलेटेड हो, चाहे फैकल्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लेसमेंट से रिलेटेड हो। सारा आपको 4 साल का अपना जो एक्सपीरियंस है मैं विदिन एक मिनट बता देता हूँ। मैंने एडमिशन ली, पहले साल में मेरा ब्लॉक था, ठीक है, वो चला सारा, मेन सारे हमको कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए, टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं आई, तो कॉलेज में भी अच्छे से लाइफ गुजरी, एक साल सारी फीस पे करी, पूरा यहाँ पे एंजॉय किया, सेकंड ईयर में गया, सेकंड ईयर में प्रोग्रामिंग मेन सब्जेक्ट्स आए, प्रोग्रामिंग हुई, लैब्स में अच्छे से कराया, सारा कुछ अच्छे से किया, सारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं आई, हॉस्टल में बस गर्मियों में थोड़ी दिक्कत आती थी कि जो हमारी डक्ट वगैरह थी वो खराब हो जाती थी, हम कंप्लेंट करते थे, ठीक कर देते थे, फिर खराब होती थी, फिर कंप्लेंट करते थे, ऐसे ही चलता रहता, तो 1-2 महीने हॉस्टल में दिक्कत आती थी गर्मी की वजह से, क्योंकि हमारे नॉन एसी रूम थे, बाकी टाइम हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं आती थी। खाने में ऑलमोस्ट 50-50% रहता था कि कभी अच्छा बना है, कभी नहीं बना, मोस्टली अगर 7 दिन है 7 दिन में से 4 दिन ठीक बनता था, 3 दिन ठीक नहीं बनता था, तो ऐसे पूरा सिस्टम चलता था। तो आप ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा गंदा खाने का भी मतलब कर सकता है मौके मिलेंगे, ऐसी टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको कम बजट में रहना है तो हॉस्टल आपके लिए बेस्ट फैसिलिटी रह सकती है, क्योंकि आपका ना आने जाने का खर्चा लगेगा, ना कोई फालतू की टेंशन, हॉस्टल में मस्ती भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फैसिलिटीज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, फ्री गेमिंग रूम, टीवी रूम, ये सब आपको दिक्कतें वहाँ, मतलब ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती है एज ए फैसिलिटीज़। तो प्लेसमेंट की बात करें तो थर्ड ईयर में जो कंपनीज आना स्टार्ट हो गई थी, थर्ड ईयर में ही मैंने जो फर्स्ट कंपनी अपनी देना स्टार्ट कर दिया था, एग्जाम वगैरह दिए, सेवन सेमेस्टर में जो मेरी प्लेसमेंट है वो डन हो गई थी। 8 सेमेस्टर मैंने कैपजेमिनी में क्या करी, इंटर्नशिप करी, मुझे कॉलेज में नहीं करना पड़ा 8 सेमेस्टर क्योंकि मेरी इंटर्नशिप लग चुकी थी, उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है, वो सारा प्रोसेस चला। ज्वाइनिंग में मुझे थोड़ी बैड दिक्कत आई, जिसमें यूनिवर्सिटी का बैड मैनेजमेंट का मुझे सामना करना पड़ा, जिसकी जो स्टोरी है मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में बता रखी, जो आप जाके मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हो। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें, कैंपस लाइफ मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, हॉस्टल लाइफ मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, प्लेसमेंट की जो मेरा एक्सपीरियंस था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैंने खुद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कैंपस प्लेसमेंट रही और अभी भी मैं कैंपस प्लेसमेंट में विप्रो में काम कर रहा हूँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो मुझे मिली थी। बहुत बच्चों को ये भी डाउट आता है कि भैया, बहुत बच्चे ये कहते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ना जो प्लेसमेंट दिला देती है पैसे पे, फिर वो 6-7 महीने बाद निकाल देते हैं। मुझे विप्रो में काम करते हुए 2 साल हो चुके हैं, मुझे कैंपस प्लेसमेंट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मिली थी, विप्रो में काम करते हुए 2 साल हो चुके हैं, मुझे ना ही अब किसी ने निकाला है, ना ही आने वाले 3-4 साल में कोई निकालने वाला है। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर भी कोई डाउट्स बचे नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो।